पर अम्मा, विशाखा मुंबई वापस क्यों नहीं गई? हमने उको रोक लियो, हमने रोक लियो उको, जाने ना दियो। बहुत भटक ली हुई यहाँ वहाँ, उको अब एक जगह रह के घर बसाई का है। ये आपने अच्छा किया अम्मा, विशाखा एक बार घर वापस आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी बाबूजी से बात करती हूँ। सीधे काई नहीं कहती कि तू अपनी बहन को घर वापस लाना ना चाहत है। ये आप क्या कह रही है अम्मा? तो को का लगत है तू जाके लल्ला को ऐसन मनावेगी और वो मान जावेगो? उल्टा ऐसन कछु कह देगो कि आगे मनाना भी खटाई में पड़ जावेगो। तो फिर मैं क्या करूं अम्मा? लल्ला को मनावे की कोई दूजी जुगत सोच। और याद रखियो, तूने मोको वचन दियो है कि तू विशाखा को वापस ही घर में लावेगी। तो को वचन निभाए का है, समझी? हेलो 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 विक्रम, विक्रम मैं विशाखा। विक्रम तुम जल्दी आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके वृंदावन आ जाओ। विक्रम मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम सुनो एक काम। हेलो हेलो, कौन से बात कर रही थी तू? नहीं अम्मा, वो का करें तोरा, हमको भी तो कोई यहाँ पूरब के यहाँ रखना अच्छा ना लगो है। पर बाहर निकालेंगे तो को तो तू भाग जावेगी। नहीं नहीं अम्मा, मैं नहीं भागूंगी। अरे मैं तो खुद वृंदावन में रहना चाहती हूँ, अपने घर में। कसम से अम्मा, मैं नहीं भागूंगी। हम भी यही चाहते हैं कि तू हमरे यहाँ हमरे साथ रहे। लेकिन लल्ला कैसे मानेगो? वैसे हमने राधिका से कह दियो है। राधिका? हाँ, आई है ना पग फेरे के लिए। उसे हमने वचन ले लियो है कि वो तो को घर मां वापस लाके रहेगी। वचन तो दे दिया उस छोरी ने, मोको पे विश्वास ना है। वो छोरी लल्ला की मर्जी के खिलाफ कछु ना करेगी। नहीं नहीं अम्मा, आप राधिका को यहाँ मेरे पास भेज दीजिए, बाकी सब मैं संभालूंगी। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। राधिका से कैसे काम करवाना है ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। दादी माँ, दादी माँ, क्या हुआ? मैं राधिका को लाने वृंदावन जा रहा हूँ। पागल हो गया है क्या? अरे अभी अभी तो गई है, पीछे पीछे तू भी पहुंच जाएगा तो क्या सोचेंगे? दादी माँ मैं वो कुछ नहीं जानता, बस मैं जा रहा हूँ उसे लाने। अरे बेटा पर मुहूर्त तो, दादी माँ आप कोई छोटा सा मुहूर्त निकाल दो ना, मुझे उसे जाना ही लेने। समझ गई क्यों इतना उतावला हो रहा है। पहली रसोई के वक्त दोनों में अनबन हो गई थी ना, रूसा रूसी हो गई, लेकिन मना नहीं पाए एक दूसरे को, है ना? अरे तो क्यों मुंह लटका रहा है भाई, चले जाना, मैं कोई मुहूर्त ढूंढ के निकलवा दूंगी। ठीक है दादी माँ, थैंक यू दादी माँ। अरे पागल है बिल्कुल। मुझे ज्ञात है देवकी जी कि बिटिया दो ही दिवस के लिए आई है, परंतु ये पूजा अत्यंत आवश्यक है। बद्री प्रसाद जी ने अपनी अविवाहित बेटियों के कल्याण के लिए पूजा रखवाई। बेचारे अपनी बेटियों के विवाह को लेकर अत्यंत चिंतित है, मेरा जाना आवश्यक है। बाबूजी। हाँ बेटा।
मैं भी आपके साथ चलूं? मैं आपकी पूजा में मदद करूंगी तो पूजा जल्दी संपन्न हो जाएगी। ना ना बेटा, देव बाबू ने तुम्हें केवल विश्राम करने के लिए कहा है। बाबूजी। हाँ बेटा। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अभी? जी। बेटा, पूजा का मुहूर्त आरंभ होने वाला है और विलंब ऐसे ही हो चुका है। जी, ठीक है। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। विशाखा तो से मिलना चाह रही। मुझे भी विशाखा से मिलना है अम्मा, पर कैसे? चाबी क्यों? विशाखा को बाहर से बंद करके रखो है। पर पूरब घर के अंदर ना जा सके इसलिए। वो मुझे लेने आने वाले हैं, उनके आने से पहले मुझे बाबूजी को मनाना होगा और विशाखा को घर वापस लाना होगा। जी। विशाखा, राधिका। हाँ, वो बस। पर तू मुंबई वापस क्यों नहीं गई? नहीं राधिका, मैं मुंबई वापस नहीं जाऊंगी। वो मेरी समझ में आ गया है कि सपनों की दुनिया की ये चमक दमक मेरे किसी काम की नहीं है। अब मैं एक साधारण जिंदगी बिताना चाहती हूँ और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, माँ बाबूजी के साथ रहना चाहती हूँ। राधिका, तू जितनी जल्दी हो सके मुझे मुझे यहाँ से ले चल। हाँ विशाखा, मैं तुझे घर वापस ले जाना चाहती हूँ, पर बाबूजी को मनाना मुश्किल होगा। पिछली बार विवाह के समय उन्हें कितनी मुश्किल से मनाया था, इस बार उनकी इच्छा के विरुद्ध जाना। नहीं राधिका, जितनी जल्दी हो सके हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हाँ विशाखा, जल्दी तो मुझे भी है, वो आने वाले हैं मुझे ले जाने के लिए। उनके आने से पहले मुझे बाबूजी को मनाना होगा। मुझे डर है विशाखा, अगर बाबूजी नहीं माने तो मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध। तू ऐसी बातें कैसे कर सकती है राधिका? तू तो मेरी आखिरी उम्मीद है। तू खुद देखना, मैं इस हालत में पूरब के घर में वो भी बंद ताले के अंदर कैसे रह सकती हूँ, जहाँ मैं खुल के सांस तक नहीं ले सकती। राधिका, मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकती। मेरी हर ऐसी जिंदगी से अच्छी तो मौत है। राधिका, मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। मैं नहीं जीना चाहती। विशाखा रुक। विशाखा, राधिका, मुझे मर जाने दो। विशाखा रुक। राधिका, मुझे मर जाने दो। राधिका, विशाखा, नहीं, मुझे मर जाने दो। विशाखा रुक, नीचे उतर। नहीं, मैं कुएं में कूद के जान दे दूंगी। राधिका, मैं बाबूजी से बात करूंगी, तू नीचे तो उतर। नहीं राधिका, मुझे मर जाने दो। विशाखा, देख मेरी बात सुन, नीचे उतर। विशाखा, तुझे मेरी कसम है। नहीं राधिका, मुझे मर जाने दो। जब मैं अपने घर में नहीं रह सकती तो इससे बड़ी शर्म की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? विशाखा, मैं कोशिश कर रही हूँ ना। सिर्फ कोशिश से क्या होगा राधिका? तुम्हें जो कुछ भी करना है वो अभी करना है। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अरे, जब मैंने मुंबई जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया है और एक अच्छी बेटी की तरह अपने घर में रहना चाहती हूँ, उसमें बाबूजी को क्या परेशानी हो सकती है? उन्हें मुझे माफ करना ही होगा।
और ये माफी तुम मुझे दिलवाओगी, वो भी अभी, वरना मैं कुएं में कूद के जान दे दूंगी। नहीं विशाखा, तू, मैं तुझे माफी दिलाऊंगी बाबूजी से, तू नीचे तो उतर। मगर कैसे राधिका? विशाखा पहले तू नीचे उतर, क्या समझाएगी तू बाबूजी को? हाँ राधिका, बाबूजी कभी नहीं मानेंगे और तू बाबूजी को कभी कुछ समझा नहीं पाएगी। मुझे मर जाना होगा, मुझे मर जाने दो विशाखा। मुझे माफ कर दे विशाखा, हालात समझने की कोशिश कर। मैं बाबूजी को समझाने की कोशिश करूंगी, मुझे कुछ सोचने दे। नहीं राधिका, बाबूजी कभी नहीं मानेंगे। मैं क्या करूं? मेरा मर जाना ही अच्छा है। हाँ, मेरा मर जाना ही अच्छा है। विशाखा, हाँ, तू मेरे साथ चल। कहाँ? तू चल मेरे साथ। ये बस, ये क्या कर रही है तू? बस अपना चेहरा ढक कर रखी हो, चल। यजमान, पूजा संपन्न हुई, ईश्वर आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। शास्त्री जी, मेरी तो बस एक ही इच्छा है, मेरी पांचों पुत्रियों का विवाह जल्द से जल्द हो जाए। ये लीजिए जी, प्रभु को दिया दिखाए। आओ बेटा। अपना चेहरा पूरी तरह से ढकते।
चल। सदा सुखी रहो। इस आशीर्वाद के साथ मुझे एक और आशीर्वाद भी दे दीजिए बाबूजी। वो क्या बेटा? यही कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद और प्यार सदा मेरे साथ रहे। एक बेटी के लिए उसके माता पिता ही उसके भगवान होते हैं। अगर उनका प्यार और उनका आशीर्वाद उसके साथ ना हो तो जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। ये आशीर्वाद तो सत्य में प्रत्येक पुत्री को मिलना चाहिए बेटा। तुम्हें सदा अपने माता पिता का प्रेम मिले और उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे। ये लड़की अपने किए पर बहुत दुखी है बाबूजी, पर डरती है कहीं उसे क्षमा मिलेगी या नहीं। बेटा, पवित्र मन से क्षमा याचना करने से वो क्षमा कभी अस्वीकार नहीं होती। प्रभु बड़े दयालु हैं। चिंता ना करो बेटा, तुमसे जो भी अपराध हुआ है उसकी क्षमा तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। बाबूजी, मैं आपसे सच्चे मन से माफी मांगती हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। धोखा देने का, छल करने का तुम्हारा स्वभाव अभी तक परिवर्तित नहीं हुआ। नहीं बाबूजी, इसने कोई धोखा नहीं दिया है। मैं यहाँ इसे लेकर आई हूँ। ये बहुत उम्मीद लेकर यहाँ आई है बाबूजी। परंतु क्यों आई है यहाँ? इसे तो अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार है, जहां चाहे जा सकती है। बाबूजी, ये घर वापस आना चाहती है, अपने घर, अपने माँ बाबूजी के पास। बाबूजी, ये अपनी जान देने जा रही थी। हाँ बाबूजी, बाबूजी, अगर आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो मैं यमुना जी में कूद के अपनी जान दे दूंगी। लला, बिटिया जान दे देगी तो हत्या का पाप तो को लगेगो। विशाखा बदल गई है बाबूजी, वो अपनी नई जिंदगी जीने के लिए एक मौका चाहती है। आप उसके मुंबई जाने से नाराज थे ना, देखिए अब वो मुंबई भी नहीं जा रही है। आपने इसे आशीर्वाद दिया था ना कि इसके माता पिता का आशीर्वाद सदा इस पे बना रहेगा और इसे क्षमा भी मिल जाएगी, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं बाबूजी? आपका आशीर्वाद झूठा नहीं हो सकता। जैसी बिहारी जी की इच्छा, मैं आशीर्वाद दे चुका हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण कोई अपने जीवन का अंत करे। मैं विशाखा को
घर में रहने की अनुमति देता हूं।